क्षितिज एक बार देखो लाइफ सही चल रहा है विदाउट एनी ब्रेकेज देखो। हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, बॉन्ग कनेक्टेड, क्या हाल चाल। तो हम आपको दिखाते हैं छोटा सा टूर देते हैं आपको कि भैया ये कैरावन कैसी है। तो हम लोगों ने नोएडा से जर्नी स्टार्ट करी हुई है और चलता फिरता छोटा सा होटल है यार ये, तो आपको बोला बड़ा फैसिनेटिंग लगेगा क्योंकि हम भी सोचते थे कैरावन में कभी जाएंगे यार, कभी घूमेंगे। तो अभी वहाँ पर है, आपको प्रॉपर तरीके से दिखाते हैं कैसी जगह ये। तो सबसे पहले पोर्शन आता है ये जो गेट है, आप गेट से अंदर घुसो ना, जैसे बसों में होता है ना छोटा सा गेट, तो यहाँ छोटा कुछ भी नहीं है, जगह ही जगह है इस पूरी कैरावन में, काफ़ी बड़ा सा गेट है यहाँ पे। तो आप गेट से आराम से एंटर मारो। सबसे पहले आपको मिलेगा किचन, एक फैसिनेटिंग किचन जहाँ पे मस्त आराम से मैगी बनाओ और चाय बनाओ आराम से। और ये कंपनी का नाम है ग्लैम ओ व्हील और मस्त आराम से वॉश बेसिन में अगर आपको हाथ धुलना है तो आप यहाँ पे हाथ भी धुल सकते हो बड़े अच्छे तरीके से। और उसके बगल में हमारे पास मस्त बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पूरा खाना खजाना भरा हुआ है यहाँ पे, तो आप यहाँ से चिप्स निकाल सकते हो, बढ़िया खा सकते हो। इसको बंद कर देते हैं अभी, ये देखिए काफ़ी सेक्सी सी चीज़ है कि आपको मस्त धुलना उलना है तो कुछ धुल लीजिए। यहाँ पे कुछ स्विचेस लगे हुए हैं जिसका आगे से कनेक्शन है और ये अपना लोशन वोशन हम क्या बोलते हैं विम विम बार रखा हुआ है। यहाँ कुछ बॉटल्स हैं पानी वानी पीने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग यहाँ पे छोटू सा फ्रिज भी दिया हुआ है कि आराम से आप ना वीकेंड है तो बियर वियर चिल्ड करके पी सकते हो आराम से। यहाँ पे कुछ कंपार्टमेंट छोटे से दिए हुए हैं कि यहाँ से ना आप यहाँ पे खाने के यूटेंसिल्स होंगे, भी तो सारे बंद हैं क्योंकि जब बस चलती है, क्योंकि जब बस चलती है ना तो यार काफ़ी चीज़ें हिलती हैं, तो इस पर्सपेक्टिव से अभी बंद है। आगे ले चलते हैं आपको, ये देखिए यार छोटा सा ये जो शीशा लगा हुआ है, तो यहाँ पे तो अपना बाल बाल सही करने के बाद ना वॉशरूम भी हो लेना, तो वॉशरूम दिखाते हैं आपको। ये देखो वॉशरूम, एक छोटा सा वॉशरूम है और बढ़िया से खिड़की भी है, आपको व्यू भी मिलेगा बढ़िया और काफ़ी सही स्पेस है, आप बढ़िया से यहाँ पे वॉशरूम बढ़िया कर सकते हो। और सामने भी एक अच्छा सा शीशा दे रखा है। अब आगे आते हैं कि आप खाना हो गया, वॉशरूम हो गया, अब आगे दिखाते हैं। अब यहाँ पे छोटा सा ऐसा, उसके बाद ऐसा लॉबी बना रखी है इन्होंने यहाँ पे, ये देखिए छोटी सी यहाँ पे जगह है, दो लोगों की सिटिंग इस जगह पे, आप बढ़िया बैग वैग रख सकते हो। इसके बाद ये देखिए आपका बेडरूम, और ये हमारी टिमसी, बहुत सारे लोग जानते होंगे इनको, ये सिर्फ घूमती रहती है, इनके साथ कोई काम नहीं है कोई काम नहीं है, सबसे अच्छा काम है ये। और ये हमारे क्षितिज भाई हैं, कई बार आपने ट्रिप में देखा होगा इनको। और ये हमारे हिमांशु भाई हैं, अभी इनसे दोस्ती नहीं नहीं हुई है, आगे काफी बातें होंगी। और इनफैक्ट यहाँ पे टीवी भी है यार, जिसको हम लोग चालू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी 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 सीखना पड़ेगा ना, नई नई चीजें है ना थोड़ी सी। तो यहाँ पे एक अच्छी चीज ये लगी कि इन्होंने ना जगह अभी को करने के लिए ना नीचे आराम से सामान रखने का प्रॉपर स्पेस है, आप अंदर ना पूरा प्रॉपर सामान रख सकते हो। एक यहाँ पर बढ़िया, इसके नीचे भी आप ना सामान अच्छा रख सकते हो, काफी अच्छा खिड़कियां दे रखी हैं आपको बाहर का एंजॉय अगर आपको करना हो ना। और बेड के पीछे भी आप पीछे आराम से देख सकते हो कि आप आराम से बैठ के बातें कर सकते हो, पत्ते खेल सकते हो, ऊनो खेल सकते हो। और बहुत सबसे बेस्ट चीज़ है ना कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है यार, तो मतलब लेट सपोज 6 लोगों की सोने की यहाँ पे स्पेस है, तो सोचो कि अगर 7,000 रुपये में अगर आपको एक दिन के लिए मिल रही है तो 1,200 रुपये में आपको रहने के लिए घर मिल रहा है 6 लोगों के लिए पर हेड, और आप खाना अपने हिसाब से बना सकते हो, तो ये एक बहुत ही मेरे को अच्छी चीज लगी। नहीं भाई मैंने नहीं चालू करी भाई, मेरे को कुकिंग आती भी नहीं है। तो बाकी ये रही हमारी कंपनी जिन्होंने ये ट्रिप, इनकी वजह से हो पाई है। और ये देखे छोटा सा केबिन यहाँ पे, आगे देखे गाड़ी चल रही है हमारी भाई ऑफ है दोनों यार, देखो गैस ऑफ है, नहीं 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 लाइफ में नहीं। ये देखिए मस्त आराम से ये एरिया है, यहाँ देखिए मस्त आराम से गाड़ी चल रही है, और ये सारी गाड़ी चलने के बीच में बना रहा था स्टोरी। ये हमारे रवि भैया हैं, इधर हमारे अंशुल भैया जो कि थोड़े थोड़े से सो रहे हैं, और ये देखिए ओवरऑल स्पेस।
तो यार 2-3 दिन यहाँ पे रहेंगे इसी छोटे से होटल में, और जैसा एक्सपीरियंस होगा उसका एक वीडियो बनाएंगे, प्रॉपर ब्लॉग बनाएंगे, यूट्यूब में डालेंगे, अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग कुछ रील्स निकालेंगे। और एक बहुत ही फैसिनेटिंग चीज है, आप चार्ज करो, गाड़ी चल रही है, आप गेम खेलो HDMI कनेक्ट करके, और बिल्कुल नेक्स्ट लेवल शिट है। तो मिलते हैं, आप 2-3 दिन बने रहना साथ में, काफी दिन बाद हम निकल पाए हैं अपने काफी बिजी शेड्यूल के बाद में, तो मिलते हैं और दिखाते हैं आपको चलता फिरता घर। भाई सीरियसली यार, मतलब देखो यार, देखो मैं मस्त आराम से यहाँ पे ऐसा चिल कर रहा हूँ, और यहाँ पे सब बैठ के अपना अपना काम कर रहे हैं। नाइस, बाय बाय। डिटेलिंग हो तो